तुलनाएं साक्षी हो रही है, चाहे राजनीतिक रूप से या शैक्षणिक रूप से भी कहीं परेशानी है, और राजनीतिक रूप से पिछड़े अति पिछड़े सही में पिछड़ दे जाते हैं, इन्हें इनका वास्तविक हक नहीं मिल पा रहा, जो मिलना चाहिए था वह हक नहीं मिल रहा, वो अधिकार नहीं मिल रहा। पिछड़ों अति पिछड़ों की जहां भी इनके साथ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हुए इनके घर में, आश्चर्य होता है कि नीतीश कुमार की सरकार ने न्याय भी नहीं मिल पाया। इन्हीं सब बातों को लेकर बहुजन समाज पार्टी पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन कर, पिछड़ा अति पिछड़ा का अधिकारों का सम्मेलन होगा, और उस सम्मेलन में बताने का भी काम किया जाएगा कि कैसे पिछड़े अति पिछड़ों के अधिकारों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, सरकार खोल रही है, और चाचा भतीजा की सरकार हो या भारतीय जनता, इन दोनों सरकारों ने बिहार में पूरी तरह से पिछड़ों अति पिछड़ों को फटने का काम किया। आज लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, दोनों जगह हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, हम पीछे हैं। इन बातों को लेकर के 25 तारीख 25 अगस्त बापू सभागार में आकाश आनंद जी का भी आएंगे, जो पिछले अति पिछले सम्मेलन के मुख्य अतिथि उद्घाटन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वो आएंगे, और पूरे बिहार के जो हमारे लोग पिछड़े अति पिछड़े से जो लोग आएंगे उनको संबोधित करने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी कैसे पिछड़ों अति पिछड़ों का हक भी उन्हें दे और उनके साथ अन्याय है। बहुजन समाज पार्टी पूरे के पूरे तरीका से पिछड़ों अति पिछड़ों के अधिकार के साथ जो बहन जी का जो सुरक्षा है, बहन जी का जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों अति पिछड़ों को जो दिया, जो माननीय कांशीराम साहब ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी निश्चित, उस नारा के साथ बहुजन समाज पार्टी पहले से भी चलता आ रहा है और अब पुनः बिहार दिवस नारे के साथ और भी मजबूती से ये कदम उठाया जाएगा। पिछड़ों अति पिछड़ों के विचार के साथ कहीं से मारे नहीं होगी, उनके अधिकार और जो भी उनका है उन्हें उनका हक और अधिकार मिलेगा, और देख रखे बिहार में अपने महन मायावती जी को सरकार बनाने के लिए पिछड़े अति पिछड़े मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी ने इस वजह से शामिल हो रहे हैं, और 25 तारीख में भी लोग शामिल होंगे, और उसके बाद एक बहुत बड़ा सैलाब अनुरेगा जो पिछड़ों अति पिछड़ों के हक और वोट के लिए बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई को आगे बढ़ाए। 25 तारीख को 11 बजे भी हम लोग बापू सभागार में पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं, और उस अधिकार सम्मेलन में जो हमारा नारा है उन नारों को फिर से हम बुलंद करके उसमें कुछ संशोधन भी होगा, नए नारे भी लगेंगे। वोट हमारा राज में हमारा, वोट हमारा राज में हमारा होगा, नहीं चलेगा आपके। तो इन सब जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां, जो चाहे जनता दल हो, राजद हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, इन सबों ने जो पिछड़ों और पिछड़ों को जो ठगने का काम किया है, तो उन्होंने इनका उचित हक इनको नहीं देने का काम किया है, उस हक को बहुजन समाज पार्टी दे करके सदन में भेज करके अपने लोगों को सदन में भेज करके पिछड़ों और अति पिछड़ों को मुख्य धारा में शामिल करने का काम है। पिछड़े अति पिछड़ों को ऊपर उठाने के लिए आपके पार्टी के द्वारा क्या किया जाए? हमने तो कहा कि उनको उत्थान के लिए जो सबसे पहले है कि हमारी राजनीति की हिस्सेदारी हमें नहीं मिली,
और जब तक हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिले, हमारे एमपी एमएलए नहीं होंगे, तब तक पिछड़ों का उत्थान नहीं हो सकता, अति पिछड़ों का उत्थान नहीं हो सकता। आज सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ, हमारे लोग मारे गए और उन्हें न्याय नहीं मिला, उनका परिवार को न्याय नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर स्नेहा मंडल थी, एक सिपाही, उसकी हत्या हुई सिवान में, मुंगेर की वो बेटी थी, सिवान में पुलिस कॉन्स्टेबल थी, उसकी हत्या हुई, उसे आज तक न्याय नहीं मिला। अजय पटेल सासाराम का इंजीनियर था, मुंगेर में उसकी हत्या हो गई, इंजीनियर में ड्यूटी में और ड्यूटी उसकी हत्या हो गई और उस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। अभी वर्तमान में राजा पटेल की घटना, उसे भी न्याय नहीं। अभी मोकामा में, सिवनार में उषा देवी के साथ घटना हुई, वहां भी न्याय नहीं। और दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, महादलितों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे और ये निरंकुश सरकार जो है उनको कभी भी न्याय दिलाने का काम नहीं कर रही है। बहुजन समाज पार्टी निश्चित करता है, सुनिश्चित करेगा कि हमारे लोगों के साथ अगर कहीं घटनाएं हुई है, पहले तो है चार बार के मुख्यमंत्री के शासन का उत्तर प्रदेश में देखें कि कैसे वहां इन सब घटनाओं पर रोक लगा, और अगर छिटपुट घटनाएं हुई है वहां उसका न्याय भी मिला है और तुरंत न्याय मिला है। इसलिए जब उत्तर प्रदेश में चार बार बाहर जो मुख्यमंत्री रहते हुए देखा गया है, तो वैसे ही बात हम पूरे भारत के लिए करना चाहेंगे कि पूरे भारत को ऐसे शासन आवे जहां पिछड़ो अपने पिछड़ो और ये दलितों पर महादलितों पर अत्याचार जुर्म जाति है। अब पिछड़ा दलित की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, और आप ही के नेता एक पिछड़ा दलित के नेता हैं, भगवानी मुखिया चंद्रशेखर रावण के बारे में जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो तो उनको पहचानते नहीं है, सोचे बच्चे नेता उनको गोली भी लगी, तो उस पर आप लोगों ने क्या किया? क्या वो तो ये अच्छा ये बताइए, भारत की जनता 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी को क्या हर व्यक्ति है तो पहचान सकता है? ये संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है कि हम सबको पहचान। ये कहना है वो मतलब उनको नहीं पहचानते लेकिन कोई अपराध नहीं करे, अगर नहीं पहचानते उनके बारे में नहीं जानते उनके बारे में नहीं बोले, फिर उसके बाद देखिए थोड़ी बाद उन्होंने बोला उसके बारे में समझे, उसके बाद उन्होंने बात रखी। पिछड़ा दलित के इतने बड़े चेहरे हैं चंद्रशेखर रावल, अगर वैसे उन लोगों को नहीं पहचानते आपके नेता, तो बाकी दलित और बाकी पिछड़ा को कैसे पहचाने? कोई ये जरूरी नहीं है कि दुनिया भारत के जितने नेता हैं सबको पहचान, कुछ ऐसा होगा, कुछ बड़ी बातें होंगी तो पहचानेगा। अभी आपको बता, आप कह रहे हैं कि ये सबसे पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, आज तक किसी सदन में वो नहीं, कैसे सदन में कैसे आप उनको मानते हैं? बड़े नेता अगर जाते हैं, बड़े नेता की पहचान सदन से होती है, हम वोट पर बोल रहे हैं हमारी पहचान नहीं है, जब तक हम सदन नहीं जाते हैं हमारी पहचान जागृत नहीं हो पाते, भारत उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, भारत में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ये भारत में रिकॉग्नाइज होने के लिए जरूरी है कि किसी सदन के अंदर से, और चंद्रशेखर जी निश्चित रूप से जब सदन के अंदर जाएंगे पूरा भारत उनको जानेगा, लेकिन अगर चंद्रशेखर जी को आज अगर कोई नहीं जानता है तो ये अपराध नहीं है, और ये कहना चाहे कि अपराध नहीं। सर सवाल है कि आप पिछड़ा अति पिछड़ा पर अत्याचार की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव है, क्या दोनों सरकार का चुनाव कर रहे हैं, क्या बिहार सरकार या केंद्र की सरकार, तो दोनों से गठबंधन नहीं करेगा? निश्चित रूप से गठबंधन नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करे, भारतीय ने स्पष्ट रूप से कहा उनके साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, भारत में चार सौ सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, 400 सीट पर लड़ेंगे। मोहन जी ने जो रास्ता तय किया है, जो रास्ता निश्चित किया है कि बहुजन समाज पार्टी इनके साथ एनडीए और इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, निश्चित रूप से एनडीए और इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, और इसलिए ये दोनों की विचारधारा केवल और केवल सत्ता के लिए, ये जनता के लिए नहीं है, जनता के सुविधाओं के लिए नहीं है, जनता को न्याय दिलाने के लिए, इसलिए ये जनता के हक के लिए नहीं है, हम जनता के हक के साथ रहेंगे और जनता के साथ समझौता करेंगे। मोदी की तो मुखालफत आपको भाजपा वाला करते रही है, लेकिन कोई भी ज्वलन मामला होता है उसमें वो भाजपा को गोली करती है, हर एक मामले में देखा गया है, जो भी नहीं करना है तमाम लोगों के खिलाफ है, बिल्कुल गलत नीति रहती है, लेकिन उस पर आप सपोर्ट करते हैं मोदी के। देखिए ये आपका
आरोप जो है बिल्कुल बुनियाद है, ये आरोप बिल्कुल बुनियाद है। हमेशा भाजपा के ऊपर मोहन जी ने भी बोला है, चाहे मणिपुर का मामला हो या किसने किया, इसमें दिल्ली वाला मोहम्मद मोदी वाला सवाल हो सवाल है, इसको बनी किसने किया और कौन से समझ में नहीं किया, इसमें क्या कर अगर मणिपुर के मामला मणिपुर के मामला पर उन्होंने बोला है, दलितों के हर मामले पर उन्होंने, आप जब जानते होंगे तो आप देखे होंगे कि दलित की आवाज नहीं सुनने की वजह से लोकसभा राज्यसभा के अंदर जब दलितों की आवाज नहीं सुनी गई उन्होंने तुरंत इस्तीफा देकर के बाहर निकलने का काम किया। तो ये आरोप के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने रहते तो होंगे, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये दोनों इस देश में वर्णवाद जातिवाद मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं। इन्हीं के खिलाफ जनता की समस्याओं को जब कांग्रेस पार्टी ने नहीं सुना तो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। माननीय कांशीराम जी ने बार बार डिफाइन किया है कि एक मनुवाद की ए टीम है तो दूसरी बी टीम है, जो सत्ता में होती है वो ए टीम का काम करती है और जो विपक्ष में होती है वो बी का टीम का काम करती है। देश में मात्र एक हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसकी स्थापना माननीय कांशीराम जी ने और बहन जी ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ किया। दूसरे जो छोटे दल हैं, सेकेंडरी दल हैं, वो या तो कांग्रेस के पाले में जाकर बैठेंगे या तो बीजेपी के पाले में बैठेंगे, वो दोनों उन्हीं दोनों के पाले में रहते हैं। अगर तीसरा विकल्प, तीसरी ताकत इस देश में कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। इसको ये बताना कि ये जो है बीजेपी के सपोर्ट में कोई बात है तो सैद्धांतिक रूप से हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हम बोलते हैं उनके खिलाफ है, सैद्धांतिक रूप से हम कैडर उनके खिलाफ देते हैं, जनमानस उनके खिलाफ रात दिन प्रचार करते हैं। ये दूसरे जो छुपैया नेता हैं बिहार के, जिन्होंने अपनी पार्टी को मात्र क्षेत्रीय पार्टी बनाया, नेशनल पार्टी ये लोग नहीं बनाते हैं। जब ये पार्टी नेशनल स्तर पर नहीं बनाते हैं तो ये नेशनल पार्टी बीजेपी कांग्रेस से लड़ेंगे कैसे? लड़ाई तो राष्ट्र के स्तर पर होगी, देश के स्तर पर होगी, वो मात्र बिहार के स्तर पर तो नहीं होगी, मात्र झारखंड के स्तर पर तो नहीं होगी। माननीय कांशीराम जी ने बहन के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनाया और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के पीछे या राष्ट्र के साथ लड़ने के पीछे हमारी लड़ाई ही या तो बीजेपी से है या तो कांग्रेस से है। ये तो ये भी हमारे सहयोगी हो सकते हैं अगर इनकी नीयत साफ हो जाए, ये हमारे पाले में आ सकते हैं। तो आज बहन जी ने तीसरा विकल्प पूरे देश को दिया है, इन दोनों के गठबंधन में न जाकर एक तीसरा विकल्प दिया है। देश में जो दोनों से मुक्ति चाहते हो वो बहुजन समाज पार्टी की शरण में आए, वो बहन जी के हाथों को मजबूत करें, इस देश का कल्याण। सर, यदि आपकी सम्मानजनक सीटें आती हैं लोकसभा चुनाव में और सरकार को बनाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे में आप किसका साथ देंगे? ये तो तय होगा चुनाव के बाद, अभी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है, हमारे बहन को बनाने। अगर वैसी स्थिति में इनके सहयोग लिया जाता तो क्या ये प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकते हैं? निश्चित रूप से बहन जी हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार है और कल भी जो आपके सर्वों के साथ आएंगे उनके साथ आएंगे, नहीं के साथ गठबंधन होगा, बहन जी जो निर्णय लेंगे वो सर्वों पर ही होगा, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के सर्वों पर आएगा तभी चलिए।